स्किन स्मूद नहीं है स्किन रफ है ऐसा कभी आपने फील किया है आई एम श्योर किसी ना किसी पॉइंट पे आप सबने ये फील किया होगा क्योंकि टेक्सचर्ड स्किन यानी स्किन जिसमें किसी भी तरह का टेक्सचर है भले वो ओपन पोर्स है या उस स्किन में छोटे छोटे दाने यानी बम्प्स हैं नहीं सिर्फ छोटे छोटे दाने जो एक, एक बंपी है, जो नाइन आउट ऑफ टेन लोगों को होती है एज अ स्किन में इतने सारे स्किन केयर रूटीन बनाती हूँ लोगों से बात करती हूँ अलग अलग चेहरे देखती हूँ और एक कॉमन चीज 9 और 10 टाइम्स आई फील आई सी ऑल द टाइम इज टेक्सचर कि स्किन स्मूथ नहीं है स्किन एक रफ अपीयरेंस देता है सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्किन केयर रूटीन दैट विल टारगेट रफ बम्पी टेक्सचर्ड स्किन और इसमें मैं आपको दो वेरिएशंस दूंगी एक ऑयली स्किन का और एक ड्राई स्किन का जिन-जिन की स्किन कॉम्बिनेशन है वो रूटीन फॉलो करेंगे वो जो है ड्राई स्किन का हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड मेरा नाम है निपुण आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट आज की वीडियो डेडिकेटेड है ऑन हाउ टू ट्रीट रफ बम्पी स्किन यानी स्किन जिसमें टेक्सचर है स्किन जो स्मूथ नहीं दिखता और एक ग्लास लाइक अपियरेंस नहीं आती जितना आपका स्किन स्मूद होगा उतना ही ज्यादा या उतना ही जल्दी आप अपने ग्लास स्किन अचीव कर पाएंगे

Join the channel memberships for $7.99 a month or $10 a month. Now, let's get started directly with our video. हम बेसिक डिटेल्स में आज नहीं जाएंगे यानी ये क्लेंजर कौन सा होना चाहिए फेस वॉश कौन सा होना चाहिए क्रीम कौन सी लगानी है सनस्क्रीन कौन सा लगाना है अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए इन पे बहुत सारी वीडियोस हैं आई विल लिंक अप सम डिटेल्स बाद में में जाके आप देख लेना आज हम सिर्फ डिटेल रूटीन की बात करेंगे और ये रूटीन बहुत सिंपल है इसमें सिर्फ तीन की इंग्रीडियंट हैं नंबर वन नाया नंबर टू सैलिसलिक एसिड एंड नंबर थ्री एसलिक एसिड अब इसे एक रूटीन में कैसे डालना है नंबर वन चीज जो आपके रूटीन में होनी चाहिए वो है एक नाया सिनेमाइट सेरम अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप यूज कर सकते हैं फाइव परसेंट है तो ब्यूटीफुलरम uh, है, ऑप्शन हैं फॉर सेंसिटिव स्किन और ड्राई सेंसिटिव स्किन अदरवाइज एवरीबडी शुड बी यूजिंग अ टेन परसेंट और अगर स्किन में बहुत ज्यादा टेक्सचर है तो मैं रिकमेंड करूंगी एक दो महीने के बाद जब आपकी स्किन यूज्ड टू हो जाए डायरेक्टली नहीं

किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लिटरली इट डज नॉट मैटर जो आपके बजट में फिट हो जो आपको आसानी से मिल जाए उस ब्रांड का सैलिसिक एसिड एंड नंबर थ्री एजलिक एसिड नाउ India, इन इंडिया form फेवरेट फॉर्म ऑफ is एसिड इज 10% जो आपको मिलती है फार्मेसीज़ में इट इज लेस देन 200 हंड्रेड रुपीज बट इफ यू वॉचिंग मी फ्रॉम एनी वेयर एल्स इन द

अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन टू टोन स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा है तो एजलिक एसिड को पहले लगाएं, नायाट को बाद में लगाएं। अदरवाइज यू कैन यूज नाया फर्स्ट एंड एजलिक एसिड लेटर एजलिक एसिड नायासेनेमाइट का कॉम्बिनेशन आप लगाएंगे हफ्ते में चार बार लेकिन

सनस्क्रीन हर रूटीन में आता है सो so उसे कभी भी स्किप नहीं करेंगे सो फोर टाइम्स अ वीक कॉम्बिनेशन ऑफ नियासिनमाइड एज़लिक एसिड और तीन बार हफ्ते में सिर्फ नियासिनमाइड एंड सनस्क्रीन आप लगाएंगे अब आ जाते हैं आपके रात के रूटीन में रात के रूटीन में हर दिन आपके रूटीन में नियासिनमाइड होना ही चाहिए दैट इज अ स्टैंडर्ड डबल क्लेन्ज किया टोन किया इफ यू वांट टू नियासिनमाइड व्हाटएवर लेकिन हफ्ते में दो या कभी भी भी तीन बार भी, अगर आप और कोई एक्टिव्स नहीं लगा रहे दो से तीन बार आप लगाएंगे इसका, इस में लेयरिंग थोड़ी चेंज उसके बाद लगाएंगे, लगाएंगे अपना मॉइस्चराइजर इसे आप आइडियली करें हफ्ते में दो बार अगर आप अपने चेहरे पे और कोई एक्टिव नहीं लगा रहे लाइक रेटनॉल नहीं लगा रहे कोजिक एसिड डी मेलिन और ऐसा कुछ नहीं लगा रहे तो आप इसे तीन बार भी कर सकते हैं बट इन मोस्ट केसेस मैं सिर्फ दो बार ही रेकमेंड करूंगी अब ये रूटीन दो तरह से काम करता है एजलिक एसिड -like आपके चेहरे को एक्सफोलिएट कर रहा है ब्राइटन कर रहा है ऑयल लेवल्स को कंट्रोल कर रहा है इन एडिशन विद नाइड नायासेनामाइड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लाइटनिंग ब्राइटनिंग बेनिफिट्स तो है ही उसके साथ ऑयल सीबम कंट्रोल का बेनिफिट है

This routine is going to totally totally transform your skin. First week अगर आप सैलिस को पहली बार यूज कर रहे हैं सिर्फ को हफ्ते में एक बार यूज करें अगले या उसके बाद वाले हफ्ते में दो या तीन बार यूज करें ये याद रखें कि एजलिक एसिड -like दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर आपने इनको ओवर यूज कर लिया तो स्किन पे ड्राइनेस हो सकती है एंड काफी केसेस पे लेके पे so to totally, totally sure ले के आ रहे इस तरह से जो आपके छोटे छोटे दाने होते हैं वो बिल्कुल ही बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे आपका स्किन स्मूथ दिखेगा क्लियर दिखेगा ग्लास लाइक -like दिखेगा बिकॉज एजलिक एसिड इज सुप्रीमली ब्राइटनिंग फॉर योर स्किन इस रूटीन को आप एटलीस्ट चार हफ्ते तक फॉलो करें उसके बाद अगर आप चाहें तो आप एजलिक एसिड को हफ्ते में एक या दो बार यूज कर सकते हैं या कंप्लीटली छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं Acid and जो है, ये एक वो कॉन्स्टेंटली रहते हैं वो कभी भी ऑयल प्रोड्यूस करना बंद नहीं करते इम्पोर्टेंट फॉर स्किन इसलिए अपने पोर्ट्स को साइज कंट्र, को कंट्रोल में रखने के लिए उनके हेल्थ

This is a routine, my friends, that I want you to follow if you want to have smooth skin in two weeks and continue it for four, six, whatever number of weeks till your skin absolutely starts giving you glass skin vibes. Video pasandai, don't forget to like and subscribe. Mayaap milungi ugly bar with another video. Till then, take great care of yourself. Bye.